आज हमने जो है ना ऑक्स के लंग्स के बारे में पढ़ना है। जो ऑक्स के लंग्स है उसमें राइट लंग के 4 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग के 3 लोब होंगे। जो राइट लंग होंगे उनमें पता ऐसे चलेगा कि उनमें ना एक ये जो थर्ड ब्रोंकस या सेसरी ब्रोंकस, वो उसके जो क्रेनियल लोब है, जो क्रेनियल उसका लोब है उसमें एंटर हो रहा होगा। तो इसमें आप लोब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कहते हैं क्रेनियल या एपिकल लोब, और इसके आगे 2 पोर्शन होंगे, ये इसका क्रेनियल पार्ट और ये इसका कार्डल पार्ट। और उसके बाद ये जो हार्ट के साथ 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 होगा उसे कहते हैं मीडियन या कार्डियक लोब, हार्ट के साथ साथ। और उसके बाद ये जो लार्जेस्ट है ये वाला, इसे कहते हैं डायफ्रैगमेटिक या कार्डल लोब, और ये एसेसरी लोब। उसके बाद ये लेफ्ट लंग है उसमें 3 लोब होंगे, इसमें ये क्रेनियल लोब या एपिकल लोब। और इसी तरह हार्ट के साथ जो होगा ये वाला, ऐसे हार्ट के साथ होता है अटैच, ये है मीडियन या कार्डियक लोब, और ये कार्डल या डायफ्रैगमेटिक लोब। और उसके बाद ये जो आर्च बन रही है ये एओर्टिक आर्च होती है, एओर्टिक आर्च, और ये पल्मोनरी वेन होती है जो हार्ट में एंटर हो रही होगी, और ये ट्रैकियो।